हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा गुप्ता और स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल बी हेल्पर पे। तो देखिए, झारखंड में एक न्यू वैकेंसी आने वाली है, इसकी सूचना प्रभात खबर के माध्यम से दिया गया है। तो मैं आज आपको यह प्रभात खबर का उस कटिंग को लगाऊंगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, साथ में मैं आपको सारे सूचना पढ़ के सुनाऊंगा। तो आप लोग इससे जरूर से जरूर पूरा सुने और आप लोग भी चाहो तो पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, झारखंड के अपडेट वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल वो सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए, ज्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्यूज का हेडलाइन है, प्लस टू स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों की होगी नियुक्ति। तो देखिए पूरी खबर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, राज्य के 230 प्लस टू स्कूलों में 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली है। आरक्षण रोस्टर क्लियर कर लिया गया है। विभाग ने नियुक्ति का प्रस्ताव कार्मिक को भेज दिया है। नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जी हाँ दोस्तों, JSSC इस एग्जाम को लेगा। कार्मिक विभाग की ओर से नियुक्ति की अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। राज्य में वर्तमान में 635 प्लस टू स्कूल है, इनमें से 510 में पढ़ाई हो रही है, जबकि 125 स्कूलों में इस वर्ष नामांकन लिया जाएगा। 635 स्कूलों में से 230 में ही प्रयोगशाला सहायक के पद सृजित है। इनमें 59 विद्यालय एकीकृत बिहार के समय के हैं, जबकि झारखंड गठन के बाद 171 हाई स्कूलों को प्लस टू में अपग्रेड किया गया है। 280 विद्यालयों में केवल शिक्षक का पद सृजित है, जबकि 125 स्कूलों में अब तक किसी प्रकार का पद सृजन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यह पूरी खबर थी। अगर आपको यह खबर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दे, ताकि इस खबर का न्यूज सभी को मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।